सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुनाल द एनिमल प्लैनेट और मैं हूं कुनाल आपके साथ, और मेरे साथ में है अमन भाई। और कैसे दोस्तों? और अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मीशू भाई आए हुए थे हमारे, तो हमने लॉफ्ट कवर करने शुरू करे थे, तो वो मीशू भाई कवर कराने शुरू करके गए थे और खत्म कराए अमन भाई ने आके। वो बारिश हो गई थी इस वजह से, लेकिन भाई लॉफ्ट कवर कराने बहुत जरूरी थे। बिल्कुल, क्योंकि भाई देखो क्या है, आज की वीडियो बहुत छोटी सी रहने वाली है, लेकिन इसको देखना पूरा कि अमन भाई भी आज आए हुए थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि लॉफ्ट को कवर करना भी उतना जरूरी है जितना जरूरी है उसके अंदर हवा जाने को अलाउ करना। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमने आज कबूतरों का भी शौक कराया, वो अमन भाई के चैनल पे है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, अमन भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी ने नहीं किया हुआ। और कबूतरों का शौक देखना है तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, और मेरी वाली वीडियो में यही मिलेगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं लॉफ्ट कवर कर रहा था पर वो पूरा हो नहीं पाया था, तो आज मैंने लॉफ्ट किस हिसाब से कवर करा है हम आपको वो दिखाएंगे और शुरू करते हैं। तो दोस्तों आया है लॉफ्ट के अंदर और दिखा देते हैं कवर अप किस तरह से कुणाल भाई ने किया है। तो भाई आप इस तरह के कट्टे लगा सकते हैं, ये बोरियां मिल जाती है मार्केट से 5-10 रुपए के अंदर अंदर बोरी मिल जाएगी आपको हर जगह पे ऑल ओवर इंडिया। कहीं ये मैं सोचना कि कुणाल भाई हम बोरियां बेच रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया बोरियां 5 भिजवा दो मेरे को, क्या डिलीवरी चार्ज रहेगा। ये नियर बाय आपको मंडी में मिल जाएंगी, आलू की बोरियां वगैरह, टाट का बोरा कहते हैं, टाट का बोरा कहते हैं। और बेसिकली ये क्यों कह रहे हैं हम, उसका एक रीजन है इसमें, देखिए हवा आर पार हो सकती है जितना, इसका रीजन मेन ये है लगाने को हम पनिया लगा सकते थे इसके ऊपर, त्रिपाल वगैरह, लेकिन त्रिपाल हमने क्यों नहीं लगाई इसके भाई, इधर करके दिखाओगे तो लोगों को दिख भी जाएगी हवा, उसका एक रीजन है। अब हवा छन के इसके अंदर से आएगी, जब ठंडक छन के आएगी तो वो कम पहुंचेगी उनके पास। हमने पैक इसे प्रॉपर क्यों नहीं किया, उसका एक रीजन ये है, हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और कमरे के अंदर हीटर जला रखे हैं, सब कुछ जला हुआ, और एकदम से हम बाहर निकल जाते हैं विदाउट एनी डू, तो हमें क्या हुआ, सर्द गर्म हो जाएगा। तो वही चीज सेम कंसेप्ट कबूतरों के साथ में है, कोशिश करें कि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे, हल्के ऊपर से छोड़ा है, ऊपर से छूटा हुआ है, इधर छूटा हुआ है, इधर छूटा हुआ है, इधर से छूटा हुआ है, और वो नीचे एक पूरा पोर्शन छोड़ रखा है, नीचे का पोर्शन छोड़ रखा है ताकि हवा अंदर जाए, अंदर भेजनी है हवा, लेकिन सारी नहीं भेजनी, थोड़ी थोड़ी भेजनी है ताकि बाहर का और अंदर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट थोड़ा मेन सेम हो, डायरेक्ट हवा इनकी छाती पे ना पड़े, डायरेक्ट ना पड़े, छन के पड़ जाए। उसी तरीके से उधर लेके चलते हैं आपको। अब लोग कहेंगे आपने पन्ने की बात की तो पन्ने यहाँ पे क्यों लगा रखी है, उसका रीजन भाई ये है, यहाँ पे पन्नी इसलिए क्योंकि साथ में इसके बच्चे पड़े हुए हैं, डायरेक्ट हवा बच्चों पे लगेगी तो बच्चों के पर नहीं है, बच्चों के ऊपर पर ना होने की वजह से वो बच्चे मर जाएंगे, अंडे होंगे अंडे खराब हो जाएंगे, तो हमने यहाँ से इसे कवर अप कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने सेम कंसेप्ट कर रखा है, ये जाली लगी, जाली के ऊपर बोरी लगा रखी टाट की, वैसे ही सेम टू सेम। ये हमने बांधी कैसे हुई है, भाइयों को ये भी पूछना होगा कि आपने बांधी कैसे है। भाई लेंटर की तार आती है सिंपल सी, मार्केट से आती है हार्डवेयर से, लेंटर की तार लगा करके आपने सिर्फ एक ऐठा देना है इसके अंदर, और इस तरीके से बंध जाएगी आराम से, टाई अप हो जाएगी आपके लॉफ्ट के अंदर। तो इस तरीके से टाट की बोरियां लगा ले भाई सारे लॉफ्ट में, और ड्राइनेस का ध्यान रखे, मैंने लॉफ्ट वाइट छिड़क रखे, अगर आपके लॉफ्ट वाइट नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, और ऑर्डर नहीं करना तो दड़बे की रोज सफाई करो ताकि आपके लॉफ्ट में ड्राइनेस रहे। एक बहुत बड़ी गलती अमन भाई लोग करते हैं सर्दियों में दड़बे की सफाई ना करके, आप देख सकते हो दड़बे में, किसी भी दड़बे में मेरे लॉफ्ट में गंद नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मेन चीज है लॉफ्ट ड्राई रहना चाहिए ना कि गंदा, ये बहाना बना देते हैं लोग सर्दी में कि गर्म होगा ये होगा वो होगा, सफाई ना करने का आपका इस बारे में। देखो मेन चीज क्या है, वो आलस है एक हमारे अंदर कि हम दड़बे की सफाई नहीं करते, पहले मैं भी ऐसा करता था, लेकिन भाई जब देखो जब बंदा मुर्गी खाता है तो उसे समझना पड़ता है कि कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैंने भी कुछ चेंजेस किए, मैं भी डेली सफाई करता हूँ दड़बे की, डेली सफाई करनी पड़ती है, डेली आपको पत्ती मारनी ही पड़ेगी दड़बे के अंदर, जितनी भी बीट है वो उठानी पड़ेगी, तो आपको लगेगा कि हाइजीनिक तरीके से आप सब चीज कर रहे हो, अनहाइजीनिक रखोगे छोटी सी बात है, आप ही अपने आप को ले लो, आप नहाओगे नहीं 10-10, 15-15 दिन सर्दी मान के, तो भाई बीमारियां लगेंगी, शरीर में से स्मेल भी आएगी। कबूतरों को भी नहलाओ, डेली नहीं नहलाना, हफ्ते के अंदर 2 बार जिस समय इतनी अच्छी धूप निकल रही हो आप नहला सकते हो, बाथ सॉल्ट आता है, उसके अलावा फिटकरी से कुछ लोग नहलाते हैं, कुछ पिंकी से नहलाते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो नहलाना जरूरी है, आप नहलाएं लेकिन थोड़े गुनगुने पानी में,
बिल्कुल बर्फ वाला पानी मत दे देना टंकी का भरा हुआ। तो भाई मेन कंसेप्ट यही था आज का कि ठंड से कबूतरों को कैसे बचाया जाए, अपने कबूतरों को इस तरह के आप प्रिकॉशन यूज करें ताकि आपके कबूतरों को डायरेक्ट सर्दी ना लग पाए। और जहां पे बच्चे हैं तो मेन क्या है, ये पूरा जो लॉफ्ट है ये एक ही है, इसमें देखो यहाँ से उसे पैक नहीं किया, नहीं इसमें एक चीज और है भाई जी, ये देखो यहाँ से हवा जा रही है जी, ये हवा का छोड़ा है, ये छोड़ा है। अब एक चीज और भी, और इसके अंदर मैं बता, सामने की खिड़की है तो वहां से भी क्रॉस वेंटिलेशन बना हुआ है प्रॉपर, ठीक है ना। तो कोशिश करें, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा कबूतरों के पास में तो कबूतर भाई बीमार होंगे ही होंगे। तो मेन कंसेप्ट वही है भाई, इनका प्रिकॉशन रखें ताकि आपके कबूतर बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक रहे। जल्दी जल्दी कुणाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, और प्लस जो कुणाल भाई के व्यूअर्स हैं उनका एक छोटा सा काम दे रहा हूं भाई, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इस वीडियो को इतना प्रमोट कर दो ताकि सारे के सारे लोग कुणाल भाई चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1 लाख जल्दी की जो सेंचुरी है वो पूरी करनी है, सेंचुरी मारनी है। और भाई यही था, आप भी अपने लॉफ्ट को कवर करें, अपने जानवरों को सुरक्षित रखें, और आपका क्या कहते हैं सफाई जरूर रखें लॉफ्ट के अंदर। सर्दी में अगर आपने लॉफ्ट सील कर दिया और अंदर से लॉफ्ट गंदे होंगे तो वो बीमारी का घर बनेगा, तो उस चीज को अवॉइड करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।